Alright, alright. Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Wondersen, of course. And आज हम जा रहे हैं KTM Service Center to finally solve the issue. मेरी गाड़ी जो झटके दे रही थी वो आज problem solve हो जाएगा, खलास. By the way, these are kind of half, you know, open finger gloves that I got yesterday. So, a lot of you guys were asking me कहाँ से लिया. अभी हम आपको दिखाएंगे कि exactly हमने कहाँ से लिया. और यहाँ पे मुंबई पुलिस की भर्ती शुरू है 2018. एवरी ईयर यहाँ पे दो महीने के लिए ये कैंप होता है. यहाँ पे ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग होती है, मतलब उनका सिलेक्शन का जो भी पूरा प्रोसीजर है वो सब होता है. बढ़िया है, मुझे शॉपिंग भी करना है बिकॉज यू नो आई विल बी गोइंग टू माई होम टाउन. मेरे भाई की शादी है, सो आज मैं मेरी चाहत की मरम्मत करूँगा. चाहत ये भाई, ये मेरी चाहत है. पता नहीं मैं आज इतना पम्प्ड अप क्यों हूँ. ओ ओ ओ ओ ओ ओ बंजा गली बनारस की. फ्रॉम ठाणे आई एम कमिंग टुवर्ड्स पवई, सो आई टेक दिस राइट टर्न एंड द फर्स्ट सिग्नल नाउ दैट वी विल गेट. तो मैंने ये ग्लव्स कहाँ से लिए मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ. ऐसा कोई शॉप है नहीं, रोड साइड एक यू नो एक अंकल आंटी बैठते हैं एंड दे प्रोवाइड यू नो काइंड ऑफ छोटा मोटा राइडिंग गेयर. दैट इज़ अ प्लेस जस्ट यू नो अपना जो स्काई वॉक है उसके बाजू में. सो इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग टू बाय, वेल यू कैन बाय ओवर देयर. 150 rupees, नॉट बैड. थोड़ा बार्गेन किया उन्होंने, 200 बोला था, मैंने 150 में ले लिया. ठीक है. आई नो दीज आर काइंड ऑफ जिम ग्लव्स, आई मीन दीज आर जिम ग्लव्स ओनली आई थिंक, एंड दे आर प्रिटी थिक. सो क्या फर्क पड़ता है, ग्लव्स है. ओपन फिंगर्स ग्लव्स बहुत ज़्यादा सेफ तो नहीं है. ऑफकोर्स वो जो पूरे ग्लव्स होते हैं उससे तो कम ही सेफ है, बट देन आई वॉन्ट माई फिंगर्स टू बी ओपन वेन आई एम कम्यूटिंग इन द सिटी बिकॉज सिग्नल्स पे मुझे हैव टू मेक फोन कॉल्स, हैव टू टेक्स्ट एंड काफ़ी कुछ मैनेज करना होता है, तो नहीं हो पाता है. दिमाग ख़राब हो जाता है. बड़ा ग्लव्स फिर से निकालो, फिर से पहनो. ये सॉर्टेड है. आई होप राम भाई जो है हमारे, हमने अपॉइंटमेंट ली थी कल उनसे. जी हाँ भाई, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बहुत बिजी आदमी है. आई होप उन्होंने कोई दूसरा पेशेंट ना ले लिया हो ऑपरेशन के लिए. राम भाई वो फ्यूल पंप का ही प्रॉब्लम होगा ना, वो भग भग और झटका देता है, पिकअप नहीं पकड़ता है. चलो कर लेते आज. ये है वो कल्प्रिट. ये है सर फ्यूल पंप जो खराब है. हाँ ये खराब है. मेरा नया फ्यूल पंप. तो फ्यूल पंप में ख़राब होता है मोटर. हाँ सर. तो उसका मोटर ख़राब हुआ है. ये उसमें मोटर है. So Rambhai also cleaning the air filter. चलो आई होप अभी गाड़ी अच्छी चलेगी. ऑलमोस्ट डन. हेलो गाइस, सो आई एम डन. अभी गाड़ी पूरी रेडी है. आई ऑल्सो गॉट दिस ऑरेंज असिस्ट, रोड साइड असिस्टेंस, व्हाट यू कॉल्ड RSA. सरप्राइजिंगली गाइज, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आज तक ये कभी लिया नहीं. थैंकफुली चाहत ने मुझे कभी यू नो परेशान नहीं किया, मुझे कभी लेट डाउन नहीं किया. बट होना बहुत अच्छी बात है. द कॉस्ट इज़ 850 rupees फॉर 1 ईयर. अरे यार ये ढीला है, इसको टाइट कराता हूँ. बहुत महीनों से प्रॉब्लम था, द प्रॉब्लम इज़ फाइनली सॉल्व्ड. न्यू फ्यूल पंप, क्या बात है. अभी देखेंगे भैया गाड़ी का परफॉर्मेंस. ओ हो, गए झटके गए. ये पावर आ गई गाड़ी में जान आ गई. हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया भाई गाड़ी का. अब आ रहा है मज़ा, 390 का मज़ा.
राम भाई सेट दैट अभी टंकी एटलीस्ट आधी कर दो तो मैं भर दूंगा अभी। ये रहा वो रोड साइड छोटा सा इसका शॉप, यहाँ पे मिलते हैं। सो यू गाइज माइट बी यू नो इंटरेस्टेड टू नो द कॉस्ट ऑफ द द फ्यूल पम्प। द फ्यूल पम्प का जो कॉस्ट है वो 390 का डिफरेंट है, 200 का डिफरेंट है। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन 390 का फ्यूल पम्प ही डिफरेंट है, 200 का फ्यूल पम्प डिफरेंट है। सो 200 का मुझे पता नहीं बट थोड़ा बहुत कम होगा। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 4,300 रुपीज़ इंक्लूडिंग लेबर चार्ज। लेबर चार्ज अगर हटाया तो सम 3,900 समथिंग ये रहा इसका कॉस्ट। 200 का मे बी 3.5 तक होगा, आई डोंट नो। एंड आर एस ए जो मैंने लिया है रोड साइड असिस्टेंस उसका 850। सो टोटल मिला के भैया 5,150 रुपये का फटका पड़ा है। बहुत महंगे शौक पाल के रखे हैं यार। कोई नहीं, महंगा तो क्या हुआ, शौक बड़ी चीज़ है। एक होता है ना कि जैसा सुपर हीरो की पावर छिन जाती है, जैसा थॉर का हथौड़ा छिन गया था तो वो कैसे मिजरेबल फील कर रहा था, कुछ वैसे मैं फील कर रहा था। बट अभी मेरे पास मेरा हथौड़ा वापस आ चुका है। बहुत मैंने फोरम्स चेक किए, बहुत मैंने वेबसाइट्स चेक किए एंड मैंने मैकेनिक से भी पूछा, राम भाई से भी पूछा। तो ये प्रॉब्लम जनरली अराइज होती है तब जब यू नो यू कीप वेरी लो फ्यूल इन योर मोटरसाइकिल बिकॉज इट इज़ फ्यूल इंजेक्टेड, तो उसको फ्यूल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सो एनीवेज आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस, कुछ आपको जानने को मिला, देखने को मिला, सीखने को मिला। डू कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड यू नो डू लाइक द वीडियो इफ यू रियली लव्ड इट। सब्सक्राइब कर दो भैया, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू गाइस इन सम अदर प्लेस इन सम अदर व्लॉग। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वांडरिंग गाइस, पीस आउट। How long we've been out here, and these nights are getting shorter, like a banner G I'll conquer.